सीएम का नाम फाइनल हो चुका है, भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे, औपचारिक तौर पर यह ऐलान कर दिया गया। यानी कि बीजेपी ने एक बार फिर वही ट्रेंड कायम रखा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जिस तरीके के तमाम कयास रहे, जो जो नाम सामने आए, जो स्पेकुलेशंस की गई, जो समीकरणें सोची गई, उन तमाम चीजों को दरकिनार रखते हुए एक अलग एंगल से सोच बनाते हुए भजन लाल शर्मा का नाम फाइनल किया गया। और भजन लाल शर्मा अब राजस्थान के सांगनेर से विधायक है और वही अब सीएम की कुर्सी पर होंगे। जी भंवर, जरा ऑफिस के बाहर की अब तस्वीरें दिखाइए कि भजन लाल शर्मा का नाम तो फाइनल हो चुका है, यानी औपचारिक ऐलान हो गया है। जी बिल्कुल, औपचारिक ऐलान अभी हुआ है, बस अंदर से अधिकारी के कोई बाइट हो जाए तो समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल अंदर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं भजन लाल के जो है नारेबाजी शुरू हो गई है। भजन लाल शर्मा को लेकर नारेबाजी शुरू हो गई है और ये विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। सांगानेर से विधायक रहे हैं, संगठन मंत्री भी रहे हैं, प्रदेश के महामंत्री भी रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गहमागहमी बढ़ गई है, तो देखिए प्रदेश में महामंत्री का पद इनके पास था और फिलहाल अंदर से जैसे ही सूचना आई है, देखिए अंदर ये जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगने लगे हैं। और पहले ही कहा जा रहा था कि कोई सवर्ण चेहरा हो सकता है, ब्राह्मण चेहरा हो सकता है, उसमें भजन लाल शर्मा का नाम अचानक से आगे आया है। देखिए तालियां बजती, तो ये तस्वीरें आपको बीजेपी दफ्तर के अंदर से दिखा रहे हैं हम। भजन लाल शर्मा को औपचारिक तौर पर राजस्थान की कमान सौंप दी गई है। सीपी जोशी साथ में खड़े हैं, उनके राजनाथ सिंह वहीं पर मौजूद हैं, चेहरे पर मंद मुस्कुराहटे हैं। सरोज पांडे ने उनको गुलदस्ता दिया, अर्घिता बघेल ने गुलदस्ता दिया, प्रहलाद जोशी अब उनका औपचारिक स्वागत करने के लिए है। और एक नई जिम्मेदारी सांगनेर से विधायक के तौर पर भजन लाल शर्मा हैं और अब एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई उनको, विधायक दल का नेतृत्व करने के लिए भी। और अब से कुछ ही देर में राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पूरा प्रतिनिधिमंडल जाएगा और वहां पर अपना जो निर्वाचन है मुख्यमंत्री के तौर पर, विधायक दल के नेता के तौर पर, उसकी औपचारिक और आधिकारिक सूचना राज्यपाल को दी जाएगी। भरतपुर के रहने वाले सांगानेर विधायक भजन लाल शर्मा राजस्थान में पार्टी में भी कई अहम पद संभाल चुके हैं और सबसे खास बात ये कि जैसा कि हमारे सहयोगी अमित कुमार लगातार बता रहे थे कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम नहीं होता है मुख्यमंत्री के तौर पर तो प्रस्तावक के तौर पर उनकी भूमिका को सामने रखा जाएगा ताकि प्रदेश नेतृत्व के अंदर में, प्रदेश बीजेपी इकाई में किसी भी तरह की कोई शक सुबह की गुंजाइश ना रहे, सर्व स्वीकार्यता रहे। और शायद यही वजह, और आप देखिए जरा कि भजन लाल शर्मा के नाम का औपचारिक ऐलान, सरोज पांडे के बगल में की कुर्सी पर इस वक्त भजन लाल शर्मा बैठे हैं, चेहरे पर आप समझ सकते हैं कि कुछ तनाव तो कुछ संतोष के भाव। संतोष इसलिए कि मेहनत रंग लाए और तनाव संभवतः इसलिए कि कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। केवल भजन लाल शर्मा ही नहीं बल्कि पूरे सारे विधायक जो भी मंत्री बनेंगे, मंत्रिमंडल के सदस्य सभी के सहयोग से ही यह काम संभव है। इतिहास के अवसर पर पुनः आपको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप यहां भजन लाल जी शर्मा को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, वहीं पर आप सबको भी मैं हार्दिक बधाई देते हुए आज के मेरे अध्यक्ष जी की अनुमति हो तो आज की बैठक की कार्रवाई समाप्त की जाए। आज की बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई। अभी सभी सभी बैठिए। माननीय राजनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री प्रेस के लिए जाके मुख्यमंत्री दल के नेता वापस आएंगे, उसके बाद आप उनका स्वागत सत्कार कीजिए। अभी प्रेस के लिए जाने दो। चलो चलो चलो।
राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पूरा प्रतिनिधिमंडल जा रहा है और ये प्रदेश महामंत्री के तौर पर लंबे समय से भजन लाल शर्मा काम करते रहे। जयपुर की सांगानेर सीट से जो कि बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, वहां से सुरक्षित सीट से उनको पहली बार चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। अशोक लाहौटी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी वहां पर अब तक रहे थे, उनका टिकट काट करके भजन लाल शर्मा को टिकट दिया गया था और अब एक नई जिम्मेदारी दी गई, यानी लंबे समय तक प्रदेश इकाई के कार्यकर्ता के तौर पर भजन लाल शर्मा काम करते रहे। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब मुलाकात भजन लाल शर्मा की हुई है, उस वक्त की फोटो आपको दिखा रहे हैं। यानी कि संगठन में निचले स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को कैसे सम्मानित किया जाता है, उनके राजनीतिक कद को कैसे एलिवेट किया जाता है, उनकी मेहनत के बूते पर बीजेपी हर चुनाव में ये उदाहरण पेश कर रही है, एक नजीर पेश कर रही है कि कार्यकर्ताओं के तौर पर सभी कार्यकर्ताओं को बीजेपी अगर एक समान मानती है, सबको समान लायक मानती है और कैसे कार्यकर्ताओं की प्रतिभा को पहचान करके उसके मुताबिक उनको सम्मान दिया जाता है। अब ये देखिए जरा कि अब भजनलाल शर्मा जो कि पहली बार सांगानेर से विधायक चुने गए, अशोक लाहौटी का टिकट वहां से काटा गया, जबकि सांगानेर बताया जाता है कि जयपुर में वो सीट है जो कि बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, सबसे सुरक्षित सीटों में से सांगानेर सीट एक है। ये हमारे साथ की भंवर पुष्पित लगातार हमारे साथ बने हुए। भंवर, भजनलाल शर्मा का नाम सामने आना, वो सारे समीकरण गिनवाता है कि कैसे अशोक लाहौटी का टिकट काट करके उनको जगह दी गई और अब एक और दारोमदार सौंपा गया। जी बिल्कुल, अशोक लाहौटी का टिकट काटा गया था, उनको संघ पृष्ठभूमि का भी माना जाता है। देखिए संगठन में उनकी महामंत्री की भूमिका रही, बड़ी भूमिका रही और भजनलाल शर्मा शुरू से संघ पृष्ठभूमि के रहे हैं। उनको यहाँ संघ का ही योगदान था जो उनको सांगानेर टिकट से सांगानेर सीट से टिकट मिला ये कहा जा रहा था। और उसके बाद लाहौटी जो कि विधायक थे उनका टिकट काट करके भजनलाल शर्मा को टिकट दिया गया और ये माना जा रहा था तो सेफ सीट थी, चूंकि भजनलाल शर्मा ब्राह्मण जाति से आते हैं तो ऐसे में ब्राह्मण और जो सिंधी वोटर्स हैं वहाँ पर वो काफ़ी निर्णायक भूमिका में हैं और ये तय माना जा रहा था कि भजनलाल शर्मा की जीत तय होगी। उन्होंने पुष्पेंद्र भारद्वाज को हराया था, कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को, जो कि मुख्यमंत्री के बहुत नज़दीक माने जाते थे अशोक गहलोत के। और जैसे ही नाम का अनाउंसमेंट हुआ है आप देखिए यहाँ लोगों में काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है कि तस्वीरें, और देखिए अब ये जगह खाली कराई जा रही है, शायद जल्दी भजनलाल शर्मा यहाँ से निकलते हुए आपको नजर आएंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये गाड़ी अंदर जा रही है, ये गाड़ी को अंदर बुला लिया गया है, मोटर स्टेट विभाग राजस्थान सरकार की ये गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर भजनलाल शर्मा वापस निकलेंगे। देखिए ये गाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरों में बीजेपी कार्यालय के अंदर जाती हुई, ये देखिए ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गाड़ी अंदर जा रही है और आप देख पा रहे हैं जैसे ही गाड़ी अंदर पहुंचेगी वहां से उसके बाद ये पूरा कारकेट जो है वो यहाँ से रवाना हो जाएगा। फिलहाल चाक चौक बंद व्यवस्थाएं हैं, अंदर की तरफ किसी को जाने की अनुमति नहीं है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें हमारे सहयोगी भंवर पुष्पित लगातार दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें जरा देखिए, पहली तस्वीर है जो इस वक्त बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां सैकड़ों हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद है, तो दूसरी तरफ आप देखिए जो बीजेपी ऑफिस के अंदर की तस्वीरें हैं। हमारे सहयोगी अमित कुमार लगातार बने। अमित, बीजेपी ने वो चौंकाने वाली परंपरा बरकरार रखी उससे पहले मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और वैसा ही पैटर्न राजस्थान में भी। देखिए मुझे लगता है कि इसमें इसीलिए शायद जो वसुंधरा के चेहरे पे मुस्कुराहट थी तो शायद उसके पीछे एक वजह यही थी कि जो नाम आ रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वसुंधरा को ऑनबोर्ड करना जरूरी था। और ऐसे में कोई, जैसे कि आपको याद होगा तमाम बड़े नेताओं की चर्चा हुई कि इनको बना सकते हैं, उनका बना सकते हैं, करोड़ीलाल मीना से लेके तमाम लोगों के नाम की चर्चा हुई, दिया कुमारी से लेके सबका नाम हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि एक ऐसा भजनलाल शर्मा एक ऐसा नाम था क्योंकि वो संगठन में मंत्री भी रह चुके हैं प्रदेश। इतिहास है ये, पहली बार बताया गया, लेकिन हमारे यहाँ 30-40 साल मुख्यमंत्री बन गए। तो चार बार प्रदेश महासचिव रहे हैं भजनलाल और ये अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी है संभवतः, जहां राजनाथ सिंह मौजूद हैं, उनके बराबर में नव नियुक्त
जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की, भजन लाल शर्मा मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर में प्रेस से मुखातिब होंगे। और जो अभी तक स्पेकुलेशन थी डेप्यूटी सीएम के नाम की, वो ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो चीजें साफ हो जाएंगी। अब से कुछ सेकंड के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। माइक है, वहां पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे राजनाथ सिंह के पास। विधायक दल की बैठक इसलिए आमंत्रित की गई थी ताकि विधायक दल के नेता का निर्वाचन हो सके। बैठक में एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किलोई लाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जावर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। और मैं आश्वस्त हूं कि श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सभी कार्यकर्ताओं ने श्री भजन लाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई दी है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजन लाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। दो उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी ये स्पीकर होंगे। बस मैं पुनः एक बार भजन लाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं और यहीं पर प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूं। आइए भजन लाल जी। बाइट करेंगे, बाइट मोनू, मेरू मोनू मोनू मेरे साथ आ जाओ। बीजेपी दफ्तर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कि जो फॉर्मूला टाइम्स था नवभारत में आपको बताया था कि एक सीएम दो डिप्टी सीएम का फॉर्मूला किया जाएगा, वही फॉर्मूला राजस्थान में अपनाया गया जिसमें कि भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री, उसके अलावा दो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और श्री प्रेमचंद, ये दो उप मुख्यमंत्री, इसके अलावा वासुदेव देवनानी को प्रदेश के स्पीकर के तौर पर चुना गया है। यानी चार चेहरों में ये बातें समाहित कर दी गई हैं कि राजस्थान का अगला प्रादेशिक नेतृत्व किस तरीके से सरकार को लेकर के आगे बढ़ेगा, जिसमें कि एक सीएम का नाम फाइनल किया गया भजन लाल शर्मा के तौर पर। और अपने आप में भजन लाल शर्मा का ये चयनित होना, मुख्यमंत्री के तौर पर चुना जाना, विधायक दल के नेता के तौर पर चुना जाना, उन तमाम समीकरणों को याद दिलाता है कि कैसे एक सुरक्षित सीट जयपुर की सांगानेर सीट पर उनको उतारा गया, जो कि बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, वो भी अशोक लाहौटी जो कि वहां से मौजूदा विधायक थे उनका टिकट काट करके भजन लाल शर्मा को वहां से टिकट दिया गया। वो चयनित होकर के लगभग 48,000 के मतों के अंतर से जीत दर्ज करके वो वापस लौटते हैं सदन के अंदर, तो सदन के विधायक दल का नेता उनको निर्विवादित रूप से चुन लिया जाता है। और सबसे खास बात यह कि इस मामले में जो प्रस्तावक रहे, जिन छह नामों को पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह ने गिनाया, उसमें पहला नाम राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी की कद्दावर नेता और राजनीति में एक दमक रखने वाली वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम प्रस्तावक के तौर पर सामने रखा गया। दिया कुमारी, जिनका एक महिला के नाम, एक महिला पहली महिला मुख्यमंत्री होने की संभावनाएं थी, उनको उप मुख्यमंत्री के नाम पर चुना, उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनको चुना गया, वो जिम्मेदारी सौंपी गई। और उसके अलावा श्री प्रेमचंद को उप मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया और वासुदेव भगनानी अब राजस्थान के अगले स्पीकर होंगे।
और अब से कुछ ही देर बाद राज्यपाल से औपचारिक मुलाकात के लिए पूरा का पूरा प्रतिनिधिमंडल जाएगा, विधायक दल के चुने हुए नेताओं समेत जो डिप्टी वासुदेव देवनानी स्पीकर रहेंगे। तो अब इस बात के पीछे की जो समीकरणें हैं उनको अलग अलग राजनीतिक पंडित अलग अलग पैमानों में रखकर अलग अलग तराजू में रखकर के तौलेंगे कि एक आदिवासी चेहरे को पहले प्रदेश में मौका दिया गया, एक पिछड़े चेहरे को पहले पिछड़ी जाते से आने वाले चेहरे को प्रदेश के अंदर मौका दिया गया और अब एक भजनलाल शर्मा को राजस्थान के अंदर अब मौका दिया गया मुख्यमंत्री के तौर पर। तो क्या जो पीडीए का कार्ड चला गया था उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के द्वारा, विपक्ष के एक बड़े वर्ग ने जातिगत जनगणना के ऊपर बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी, तो क्या ये मुख्यमंत्रियों का के नामों का चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के तर्जमान पर एकदम समीकरणों को फिट बैठाने के लिए ये पूरी प्लानिंग की गई है? हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र और अमित कुमार दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंवर, मैं आपके पास लौटूं, लेकिन उससे पहले ये जो नाम तय किए गए अमित कुमार और जिस तरीके से फॉर्मूला तय किया गया डिप्टी सीएम, दो दो डिप्टी सीएम को लेकर के, क्या ये माना जाए कि 2024 की परिपाटी को इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नामों के चुनाव के साथ ही सेट कर दिया गया है? जातीय समीकरण को भी देखा जाता है, क्योंकि अगर आप देखिए तो वहां पर अगर आपने ट्राइबल्स बनाए फिर ओबीसी बनाए तो एक फॉरवर्ड की बात होती है, इसलिए कहा जा रहा था कि या तो कोई महिला की बात हो, क्योंकि महिला भी बार बार हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे तो इसीलिए महिला चेहरे की बारे में बात की जा रही थी। तो दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बना दिया गया है, तो यहाँ पर जाति कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, कास्ट कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, जो राजस्थान की पॉलिटिक्स में जो सबको साथ सके, वसुंधरा की सहमति जरूरी थी। मुझे रोकना होगा आपको, भंवर पुष्पेंद्र के पास इस वक्त कुछ लाइव तस्वीरें वहां से हैं। जी भंवर, दिखाइए क्या क्या तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर गहमा गहमी और नारेबाजी बढ़ गई है और लगातार नारेबाजी अंदर हो रही है। अंदर से बाहर की तस्वीरें बनेंगी थोड़ी देर में। ये देखिए यहाँ ये तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए इस तरफ की तस्वीरें कुछ दिखाने की कोशिश करें। अंदर से अभी थोड़ी देर में दरवाजा खुलेगा और जो गाड़ी गई है उस गाड़ी में वो बाहर आएंगे। ये तस्वीरें मैं बाहर से आपको दिखा रहा हूँ, अंदर से हमारी दूसरी टीम जो है वो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रही है। ये गेट के बाहर की तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए गेट के बाहर ये पूरा एक कॉरिडोर बनाया गया था, इस कॉरिडोर से वो बाहर आएंगे और फिर बाहर जो कारकेट लगा हुआ है उसमें वो बैठकर आगे बढ़ेंगे। तस्वीरें फिलहाल ये बीजेपी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें, मुख्य द्वार आप देख पा रहे हैं, सामने सजाया गया है, बाकायदा फूल मालाएं लगाकर उसको सजाया गया है। तो भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हो गए हैं और डिप्टी सीएम के रूप में प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी का नाम सामने आया है, स्पीकर वासुदेव देवनानी होंगे। जी सर, आप दर्शकों को समझाइए वहां की जो पॉलिटिकल इक्वेशन है और जो कास्ट बेस्ड इक्वेशन है उनको कैसे मैनेज किया गया इन तीनों नामों को चयनित करके बीजेपी के द्वारा। देखिए हर राज्य के अंदर ये जातीय समीकरणों का विशेष ध्यान रखा गया है, खासतौर पर अगर हम राजस्थान की ही बात कर लें जिसमें अभी अभी जो नाम सामने आए आप देखेंगे ब्राह्मण चेहरे के रूप में, चूंकि मध्य प्रदेश और उत्तर छत्तीसगढ़ में जो आपने देखा वो अलग अलग जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश हुई और यहाँ अंदाजा लगाया जा रहा था कि कोई ना कोई सवर्ण कार्ड से यह मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो वही नाम सामने आया, भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जिससे ब्राह्मण चेहरे के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जाएगी, एक बड़ा वोट बैंक राजस्थान में है। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे एक ऐसी कार्ड भी खेला गया है जिसमें प्रेमचंद बैरवा का नाम सामने आया है, तो एक ऐसी कार्ड खेलते हुए जो कास्ट है उसको भी यहाँ पर साधने की कोशिश है। तो वहीं राजपूत समाज में जो एक बड़ा चेहरा उभर कर आ रहा था दिया कुमारी के रूप में और एक बड़ा वोट बैंक है जिसकी निर्णायक भूमिका अपनी प्रत्यक्ष रूप से भी कई सीटों पर होती है और अप्रत्यक्ष रूप से भी कई बड़ी भूमिका यहाँ पर निभाता है, तो उस समाज को भी उन्होंने दरकिनार नहीं किया, एक दिया कुमारी का नाम उसमें रखा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो नाम रखे गए और वासुदेव देवनानी, आप देखिए सिंधी जो वोट बैंक है वो कोर वोट बैंक कहा जाता है बीजेपी का, उसको भी खुश करने की यहाँ कोशिश की गई है ताकि 2024 के जो नतीजे हैं वो बहुत ही सकारात्मक नतीजे रहें, उसकी पूरी कोशिश और उसी कोशिश के बीच ये समीकरण साधने का काम किया गया है। जी भंवर लगातार बने हुए जो कि बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन आप जरा अमित आगे की गतिविधियों के बारे में बताइए कि अब आगे संवैधानिक प्रक्रियाएं क्या रहने वाली हैं। राज्यपाल से मुलाकात है लेकिन वहां क्या क्या होगा, क्या क्या औपचारिकताएं बाकी हैं अभी?
नहीं देखिए, राज्यपाल से मुलाकात में पार्टी की तरफ से जो पार्टी अध्यक्ष होते हैं उनकी तरफ से और जो विधायक दल के नेता हैं उनके तरफ से एक पत्र भेजा जाता है जिसमें दिया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि जो विधायक दल के नेता के तौर पर भजन लाल शर्मा को चुना गया है और वो सरकार बनाने का दावा करते हैं, तो इसके बाद सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है और उसमें अब इनको तय करना है कि शपथ कब ले। जो जानकारी मिल रही है कि 15 तारीख को शपथ ले सकते हैं भजन लाल शर्मा 15 तारीख को, क्योंकि जो वहाँ पे सोर्स जो क्योंकि अब जो अगली प्रक्रिया होगी इस बैठक के बाद की, अब कहाँ पर शपथ होना है, क्या करना है, कब किस दिन की शपथ लेने की बात है, और इसके बाद प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग वहाँ शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक थी वो पूरी हो गई है जिसमें विधायक दल के नेता चुना जा चुका है। अब राज्यपाल से मुलाकात करके उनको विधायक दल के नेता के नाम बताया जाता है पार्टी की तरफ से और सरकार बनाने का दावा विधायक दल का नेता करता है कि अब उन्हें सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया जाए ताकि वो सरकार फॉर्म कर सके, उनके साथ पूरी बहुमत है। तो ये एक प्रक्रिया बची है जो कि थोड़ी देर में राजभवन में पूरी हो जाएगी। बिल्कुल अमित, मैं वापस आपके पास लौटूं और भंवर मैं आपके पास लौटूं, उससे पहले जरा तस्वीरें दो दिखा दें कि भजन लाल शर्मा को जब एक सीएम के तौर पर चुना गया तो उस वक्त की तस्वीरें हैं, और उसके बाद की जो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जब बधाई देने वहां जो कक्ष के लोग के साथ जो बाकी लोग मौजूद थे वो कैसे उनको बधाई दे रहे थे। हमारे सहयोगी हिमांशु तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो कि दिल्ली बीजेपी दफ्तर में लाइव हैं। हिमांशु, जो आप कह रहे थे कि दिल्ली बीजेपी दफ्तर से तमाम औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, अब जो होना है वो राजस्थान बीजेपी दफ्तर में होना है, तो जो गतिविधियां राजस्थान दफ्तर में रही वो खबरें सामने आ चुकी हैं, चारों नामों को फाइनल कर दिया गया, सीएम, दो डिप्टी सीएम और स्पीकर भी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर खामोशी इसलिए है क्योंकि यहां की सारी जो एक्शन है वो शिफ्ट कर दिया गया था ऑलरेडी, जहां जिन जिन राज्यों में पर्यवेक्षक भेजे गए थे वहां, और जिस तरीके से ये नाम आया है ये तो मध्य प्रदेश से भी ज्यादा चौंकाने वाला नाम है। पहली बार इनको टिकट मिला, पहली बार ये जीते, 48,000 वोटों से कांग्रेस के भारद्वाज को हराया और उसके बाद में पहली बार में ही मुख्यमंत्री बना दिया गया इनको जी। तो निश्चित तौर पर ये जो भारतीय जनता पार्टी अब नए तरीके से इबारत लिख रही है भारतीय राजनीति की, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। बिल्कुल, और उसी विवाद के बारे में कुछ वक्त पहले हिमांशु अमित ने कहा भी था कि वो पुरानी पार्टी नहीं है जहां आप दबाव बनाकर काम कर सकते हैं, यहां सिर्फ संगठन के हित में काम होता है, उसमें चाहे किसी को भी बनाना पड़े या किसी को भी बिगाड़ना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का जुड़ने के लिए।